अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डाउनटाउन टोरंटो के अंदर हूँ और मैं आप तो ये वीडियो में सबसे पहली वीडियो बनाना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने पहले कौन से ऐसे काम करने हैं जो पहले दिन ही आपने करने हैं, और पहले दिन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर घूमना, यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कनाडा में आते हैं, टोरंटो के अंदर आते हैं, तो मोस्टली आप जो है वो एयरपोर्ट से जब आते हैं तो आपको डाउनटाउन टोरंटो जो है वो ट्रेन लेनी है और उसके ज़रिए जो है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने डाउनटाउन में जब आप पहुँचेंगे तो आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये, आपके मोबाइल नहीं चलेंगे, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं तो लाजिम बात है यहाँ पे नेटवर्क आपका रुक जाएगा। और आपको पता है कि हम लोग हर जगह पे जो है ये मेरे पीछे एक बस गई है, 512 की जो बस है वो है। तो आपने कोशिश करना है कि आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपको प्रिपेयर हो के आना है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या रास्ता है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मतलब ये कि अगर आपको थोड़ी भी वॉक करके अपने होटल तक जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे। मेरे साथ ये ऑलरेडी हुआ था कि जब मैं यहाँ पे लैंड किया था, और दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात जो हमारी फ़्लाइट्स होती हैं वो भी डिफरेंट टाइम से आती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो फ़्लाइट है वो रात को मान लो 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपको नहीं पता कि कितने बजे आप लैंड करोगे, और बहुत सारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं या बाकी चीज़ें वो नहीं चल रही होती। मेन चीज़ है इंटरनेट ना चलने की वजह से आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको क्या करना है। तो इसलिए आप प्रॉपर्ली अपने साथ जो मैप है उसको डाउनलोड कर लें ताकि आप एयरपोर्ट से होटल पहुंच सकें। सबसे पहला काम ये होता है जब भी आप एयरपोर्ट से आते हैं, यूनियन स्टेशन उतरे, यूनियन स्टेशन से कि यहाँ पे यूनियन स्टेशन है, यूनियन स्टेशन आप उतरेंगे, वहाँ से वॉक करते हुए आपको, या अगर आपको कोई भी छोटी मोटी सर्विस लेके जो है, क्योंकि ऊबर भी नहीं चल रही होगी। मतलब ये कि जो ऊबर चलती है जिसके बेस पे आप होटल तक पहुँचेंगे वो भी नहीं पहुँच पाएंगे। सो मान लेते हैं कि आप जो है वो होटल तक पहुंच गए। अब आपने अगला काम क्या करना है, पहली तो बात यह कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आ रहे हैं, दूर से फ़्लाइट्स आ रहे हैं, 13 घंटे 14 घंटे की जो है वो फ़्लाइट्स होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके आपने जो है वो सो जाना है, ताकि आप एक दफ़ा रिलैक्स हो जाएं, आप एक दफ़ा आपकी टायर्डनेस सारी की सारी उतर जाए। और टायर्डनेस उतरने के बाद जो है वो आप अगला काम, जब आप उठेंगे आप क्या करेंगे, मोस्टली जो हॉस्टल्स हैं वो आपको ब्रेकफास्ट या वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपने ले लेना है। अदरवाइज़ अब जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये, आपने मोबाइल की शॉप देखनी है। होटल या रेस्टोरेंट हॉस्टल्स के अंदर इंटरनेट फ्री होता है, वाईफाई, आप उसमें वाईफाई से कनेक्ट करना है। और सबसे पहले आपने नियर बाय मोबाइल सिम देखनी है, क्योंकि मोबाइल के बगैर यहाँ पे इंटरनेट के बगैर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसका भी आपको मैप डालना है, चाहे बसेस की हम बात करें, आप किसी से पूछ नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिम ले लेनी है। यहाँ पे कुछ सिम्स हैं, जैसे कि हमारे पास है बेल है, फ्रीडम है, ठीक है, ये वाली जो सिम्स हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगी, और उसका जो पैकेज होगा वो आपने ले लेना है। अब वो लेने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो ये कि इंटरनेट आपका ऑन हो गया, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करवाना है। उसमें हमारे पास एक TD बैंक आता है, T&D, टोरंटो डोमिनियन बैंक। TD बैंक में आप विजिटर वीज़ा पे होते हुए आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाकी में जाएंगे, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, PR पे आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनमें भी जो है वो आप अपना जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ये देखो, साइट सीइंग टोरंटो की बस जा रही है, ये भी आप टूर ले सकते हो, बहुत खूबसूरत है। तो आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया और आपको इसके बेस पे आपको कार्ड मिल जाएगा राइट अवे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जी कुछ दिन लगाएंगे और आपको कार्ड देंगे, बल्कि राइट अवे वो आपको कार्ड दे देंगे। अब ये जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे वो सारी की सारी, अगर आप बाहर के कार्ड यूज़ कर रहे हैं किसी और कंट्री के, तो आपको एक तो करेंसी का जो चेंज है वो पड़ रहा है, दूसरे नंबर पर आपको जो है वो रेट महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ का लोकल कार्ड होना बहुत, डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो होने के बाद जो है वो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो दो काम हो गए, एक तो ये कि आपने मोबाइल सिम ले ली, अपना जो है वो आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, आपको डेबिट कार्ड मिल गया। उसके बाद आप नियर बाय कोई भी देख सकते हैं जो है वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो ऑफकोर्स आपको हलाल देखना है, क्योंकि हलाल के बगैर ऑफकोर्स आप कुछ भी खाएंगे तो वो नाजायज़ होगा ऑफकोर्स। और यहाँ पे जितने भी KFC हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, फ़ास्ट फूड्स हैं, मेक श्योर कि वो हलाल हों। हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है पोपाइज़ का, POPEYES, ठीक है। इनके पास जो चिकन होता है वो हलाल होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी मैकडोनल्ड्स की, तो वहाँ से आप फ़िश बर्गर ले सकते हो और फ़िश आप कुछ भी ले सकते हो, बट मोस्टली कोशिश करें कि अगर आपके नियर बाय पोपाइज़ है तो वो फाइंड आउट करें। टिम हॉर्टन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉफ़ी चाहिए होगी, जैसे वहाँ पर आप लोग चाय पीते हो, यहाँ पर आपको कॉफ़ी चाहिए होगी, लाजमी बात है। हमारी तो रूटीन ये होती है कि हम उठते साथ ही सुबह जो है वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो आप टिम हॉर्टन्स फाइंड आउट करें और वो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अगला जो काम आपने करना है वो ये, आपने ये देखना है कि आप कितने दिन रुकने हो। अगर आप 1 वीक के लिए आए हो कैनेडा, 2 वीक्स के लिए आए हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पे हॉस्टल में हो, बेहतर ये है कि हॉस्टल में आप रहो, क्योंकि आपने कम सोना होता है, ज़्यादा घूमना फिरना होता है, वॉक करनी होती है, और तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसी में रहो। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए आए हो तो फिर उसका जो अल्टरनेटिव रास्ता होता है वो ये होता है कि आप Kijiji पे जाके रूम फाइंड आउट करो। डाउनटाउन टोरंटो बहुत महंगा है, ठीक है। जब आप बाहर से आते हो और ख़ास तौर पे आपकी जो करेंसी होती है, इसमें हम बात करें रुपी, लाइक यू नो जो भी करेंसी है आपकी, तो उसके मुकाबले में यहाँ की जो करेंसी है वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि जितना जल्दी हो सके डाउनटाउन को छोड़ो, अगर लंबे समय के लिए रुकना है तो Kijiji पे जाके रूम फाइंड आउट करो। टोरंटो के नियर बाय एरियाज़ हैं मिसिसागा और ब्रैम्पटन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी जो देसी कम्युनिटी है वो रहती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने जो है वो चला जाना है ब्रैम्पटन या मिसिसागा, वहाँ जाके आपको रूम मिल जाएगा। $600-800 तक आपको रूम मिल जाएगा, डिपेंड करता है वो किस जगह पर है और क्या हिसाब किताब है। और उसके बाद ऑफ़ कोर्स ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं, और अगर आप ये करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बजाय इसके कि जो है वो ये सारी चीज़ें जो फिगर आउट करने में मुझे टाइम लगा था, आपको नहीं टाइम लगना चाहिए। और इससे आपकी जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं जो फ़र्स्ट टाइम के तौर पे आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आके कोई भी काम कैसे किया जा सकता है, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर दूँ। और अगर काफ़ी दोस्तों का वही सेम क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना दूँ, ताकि वो दूसरे दोस्तों की भी हेल्प कर दे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फर्स्ट डे मेरा अमेजिंग था कैनेडा में, बहुत घूमा फिरा, इंजॉय किया, एंड आप लोग भी घूमे फिरे इंजॉय करेंगे। और ये जो मैंने 3-4 काम कहा हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।